साल में भी अब पहली बार रोबोटिक सर्जरी होगी सवाई मानसिंह अस्पताल में, किस तरह से सर ये रोबोट सर्जरी करता है, क्या है उसकी तकनीक और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये कारगर होगा? ये एक्चुअली क्या है, रोबोट जो टेक्नोलॉजी है इसमें सर्जन दूर कंसोल पे बैठा रहता है और रोबोटिक आर्म्स उस एब्डोमेन में जहाँ सर्जरी करनी है वहाँ डाल दी जाती है, उसके बाद दूर रह के वो उसको ऑपरेट करता है। तो रोबोटिक आर्म्स अपने हिसाब से काम करती हैं और इससे क्वालिटी ऑफ सर्जरी अच्छी होती है, अंदर विजन अच्छा होता है, दूरबीन से होता है काम लैप्रोस्कोपिकली, वो मिनिमम इन्वेसिव होता है, पेशेंट को बड़ा फायदा रहता है, बड़े चीरे नहीं लगते हैं और सर्जन भी कंफर्टेबली इस काम कर सकता है, उसकी भी उसमें काफ़ी कम्फर्ट्स रहती हैं। रोबोटिक सर्जरी सभी जगह, बाकी और जगह दिल्ली में, बॉम्बे में, सब जगह बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है और विदेशों में तो हो ही रही है, राजस्थान में भी स्टार्ट होनी चाहिए। ये लोग यहाँ ये रोबोट डेमो के लिए लेके आए हैं और डेमो के साथ साथ इसमें सैमुलेटर लगा हुआ है जिससे कि ऐसा लगता है कि सर्जरी अपन उसी में कर रहे हैं। तो सभी स्पेशलिटीज़ को, स्पेशली हमारे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ मैक्सिमम ये यूज़ में आता है, ENT डिपार्टमेंट, नेक्स्ट गायनी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑन्को सर्जरी डिपार्टमेंट, इन्हीं डिपार्टमेंट में काफ़ी इसका उपयोग है। तो सर यहाँ पे शुरू नहीं होंगे क्या, इससे ऑपरेशन होंगे नहीं मतलब? नहीं, ये तो डेमो के लिए, अब सरकार जब लेगी खरीदेगी कभी तो फिर यहाँ हो जाएगा काम, तो यहाँ ऑलरेडी ट्रेंड लोग तो ही ट्रेनिंग की। नहीं सर, सरकार ने तो खुद ने चिकित्सा मंत्री ने भी कहा कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी सर्जरी शुरू हो, तो किस लेवल पर सर कहाँ रुका हुआ काम? नहीं, मैं तो डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में, मुझे कहाँ रुका हुआ ये मुझे पता नहीं, काम का मुझे इसका आइडिया नहीं है, ये प्रिंसिपल साहब और उनको नॉलेज में होगा। तो ये लोग ले जाएंगे उसको? हाँ, और 7 दिन के लिए आए हर डिपार्टमेंट, उससे डिपार्टमेंट के लोग एक्वेंटेड हों कि कैसे रोबोट है, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, इसलिए ये लेके आए हैं।